चंडीगढ़। हाँ भैया तू लोग मेरे को आंटी बना दिया। दीदी जी जाएंगे चंडीगढ़। दीदी ने इनको बाहर स्टेशन वगैरह हर चीज दिखा दी। देखिए ये लड्डू गोपाल है, ये लाडो है ना, ये लाडो है। अच्छा ये लाडो है, ये इनका लड्डू गोपाल। ठीक है अभी जब सोएंगे ना तब गुड नाइट बोलेंगे ना इनको भी। गुड नाइट नहीं बोलते इनको? बोलते हैं। नहीं नहीं कोई नहीं आप बैठ जाइए। बैठ जाएंगे पे। नहीं नहीं वो उधर जाएंगे ना, मैं उधर बैठ जाऊंगा। मसूरी एक्सप्रेस। हाँ जी मैम जनरल में है ना। गुड आफ्टरनून गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सो आप सभी को मैं बता दूं कि अभी मैं जा रहा हूं भाई घर, अर्जेंटली घर जाना पड़ रहा है क्योंकि आप सभी को तो पता है कि हम गए थे केदारनाथ यात्रा पे और वहां पे हो गया था हमारा सारा का सारा सामान गीला, तो मैंने सुखाने की बहुत कोशिश की। होटल में भी रुके थे लेकिन सामान भाई इतना गीला हो चुका है, पासपोर्ट वगैरह पड़ा हुआ था वो भी सब गीला हो चुका है, तो अभी घर जाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो फिलहाल अभी मैं हूँ ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से और यहीं से हम जाएंगे अभी अपने घर। ट्रेन लगी हुई है 14609 हेमकुंड एक्सप्रेस जो कि ऋषिकेश और कटरा के बीच में चलती है, तो इसी से आज हम जाएंगे जो कि 5:20 पे ऋषिकेश से खुलेगी। तो चलिए इस प्यारी सी जर्नी की शुरुआत करते हैं हम ऋषिकेश में, ऋषिकेश से। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ऋषिकेश में दो रेलवे स्टेशन है, एक है अपना ये वाला ऋषिकेश और एक है अपना योगनगरी ऋषिकेश। योगनगरी ऋषिकेश रिसेंट में बना था और वो काफ़ी हाई, वर्ल्ड हाई क्लास रेलवे स्टेशन है, लेकिन हमारी ट्रेन तो पुराने वाले ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से जाती है इसलिए हम यहीं से अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी स्टार्ट होने ही वाली है और टाइम भी हो चुका है, 5:00। सो चलिए भाई आपको दिखा देते हैं इस ट्रेन का लोकोमोटिव। बाकी ब्लॉग बनाने का आज कोई मूड नहीं था हमारा यार, बहुत थक चुके हैं और साथ ही साथ एक डर भी लग चुका है। आपको तो पता होगा कि केदारनाथ में कितने लोगों ने अपनी जान दे दी, भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। प्लीज़ उनकी शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए एक बार प्रे जरूर करें। सो मेरे प्यारे दोस्तों ये लगा हमारी ट्रेन के साथ इंजन जो कि ध्यान से देख रहे हो वैप 7 का है गाजियाबाद शेड का। देखिए यही हमारी ट्रेन को क्या करेगा, पुल करेगा, वो भी एंड तक कटरा तक जाता है ये हमारी ट्रेन को लेके। तो चलिए यात्रा को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी यात्रा होने वाली है वो जनरल कोच में होने वाली है क्योंकि भाई आपको तो पता है हमारे पास टिकट है नहीं, मजबूरी में जाना पड़ रहा है, तो आज जनरल में ही सफ़र करना पड़ेगा। कठुआ तक हमारी यात्रा होने वाली है। देखो भाई भाई का IPL की तरफ प्यार, देखो भाई भाई स्पेशल आए थे IPL देखने के लिए बेंगलोर से लखनऊ, तो भाई ने IPL देखा बेंगलोर और लखनऊ का, कौन जीता भाई? बेंगलोर। तो भाई काफ़ी बड़े फैन है भाई, तो कब आए थे भाई आप? हो गया 5-6 दिन। हाँ तो भाई को 5-6 दिन हो गए। स्पेशल कौन सी ट्रेन से आए थे? कर्नाटक संपर्क। हाँ तो भाई भी रेल फैन है, बस चलने वाली है 10 मिनट में। हाँ तो भाई स्पेशल कर्नाटक संपर्क क्रांति से आए थे और भाई रेल फैन भी है ना। बाकी वीडियोस कैसी अच्छी कैसी लगती है हमारी? बहुत बढ़िया। हाँ तो भाई को बहुत बढ़िया। और भाई ने हमें एक ट्रेन का नाम बताया जो है सुविधा एक्सप्रेस, उसमें यात्रा करेंगे है ना। अभी ट्रेन चली भी नहीं थी हम बैठे थे यहाँ पे, उनको पूछ लो अब आगे बदमाशी देखी। तो बाबा जी हम बैठे थे ना यहाँ पे, हम पहले से बैठे थे यहाँ पे, आप किसी से भी पूछ सकते हो ट्रेन में हम यहाँ बैठे थे। हाँ उनको कोई भी कह सकते हैं तो कैसे, तो अब टांगने वाला सामान सीट पे कैसे रखेंगे आप बताओ? जबरदस्ती आप नहीं उठोगे फिर? जबरदस्ती हो गया पहले बताओ आप नहीं उठोगे फिर? हम जाएंगे। हाँ ठीक नहीं है बात। चल ऐसे ऐसे प्यार से बैठ जाओ ठीक है, हम लड़ नहीं आपसे रहे बट हम यहाँ पे बैठे थे ठीक है। हम अभी ट्रेन खुली थी और हम बैठ गए थे, आप बुजुर्ग हो हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप बैठ जाओ ठीक है। तो टाइम देखिए 5:20 हो रहे हैं और अपनी हेमकुंड एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही है ऋषिकेश से जो कि इसका ओरिजिनेटिंग स्टेशन है। बाकी इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो ये जो ट्रेन है ये डेली चलने वाली ट्रेन है 5:00। हाँ जी लो ठीक है। अब मैम जनरल में है ना। बाकी टाइमिंग की बात कर रहा था तो 5:20 पे चलती है हर दिन ये ऋषिकेश से 680 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद दूसरे दिन सुबह 6:50 पे आपको SVDK श्री माँ वैष्णो देवी कटरा
रेलकुंड एक्सप्रेस 13 घंटे और कुछ मिनट लेती है, जर्नी को कंप्लीट करने के लिए लगभग 21 हॉल्ट रहने वाले हैं इस ट्रेन के। देखिए ऋषिकेश से डिपार्ट लेती हुई हमारी हेमकुंड एक्सप्रेस। और भाई जो ट्रेन की सिचुएशन है वो ऋषिकेश से ही देखिए पैक हो चुकी है एंड हरिद्वार तक ये पूरी की पूरी पैक हो जाएगी, मतलब इसमें पैर रखने के लिए जगह नहीं आपको मिलेगी। अब देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। बाकी इधर भी देखो पूरे के पूरे जो जनरल कोच है वो भर चुके हैं एंड यहाँ पे दादी जी नीचे बैठ गए हैं। दादी जी कहाँ जाओगे? हाँ अंबाला। तो बाकी दादी बैठ गए हैं इधर, अंदर बैठ जाइए, जगह है ठीक है। जो ऋषिकेश था ना इसको आप टर्मिनल पॉइंट भी कह सकते हो क्योंकि इसके आगे सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं, इसके आगे कोई भी लाइन नहीं जाती है। लेकिन सुनने में आया कि यहाँ पे एक लाइन बन रही है जो कि सीधी लद्दाख में जाके मिलेगी, वो शायद योग नगरी ऋषिकेश से बन रही है वो। बाकी ये जो ऊपर एलिवेशन पे आप ट्रैक देख रहे हो, ये जो ट्रैक आया है ये आया अपना योग नगरी ऋषिकेश से, जो कि काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ एक स्टेशन है, नया स्टेशन बना है हाल ही में। देखिए ये जो ट्रैक आप देख रहे हो सामने, और भाई व्यू देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है यार। देखिए दोस्तों ऋषिकेश से लगभग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी हेमकुंड एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुके हैं अपने पहले हॉल्ट पे जो है अपना वीरभद्र। ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ओनली एक प्लेटफॉर्म है और पीछे देखिए यात्री के सारे इस तरफ भाग रहे हैं। ये इस तरफ इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इस ट्रेन में आपको जितने भी जनरल कोच मिलेंगे वो पीछे की तरफ मिलेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इन फ्यूचर अगर आप हेमकुंड एक्सप्रेस से यात्रा करते हो तो कृपया पीछे चले जाएँ क्योंकि जितने भी जनरल कोच है ना ये सारे पीछे लगे हैं। देखिए जितने भी यात्री वहाँ से भाग के यहाँ आ रहे हैं। बाकी वीरभद्र पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, राइट टाइम पे चल रही है, देखते हैं डिपार्चर वीरभद्र से। तो भाई देखिए निकल चुकी है अपनी ट्रेन वीरभद्र से, देखिए दोस्तों डिपार्चर वीरभद्र से। और एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ आपको, ये जो हमारी हेमकुंड एक्सप्रेस है इसका नाम हेमकुंड साहब गुरुद्वारे के नाम पे रखा गया है, जो कि काफ़ी पॉपुलर गुरुद्वारा है, काफ़ी अच्छा गुरुद्वारा है, जो कि ऋषिकेश से पड़ेगा आपको 342 किलोमीटर की दूरी पर। इन फ्यूचर क्या पता ट्रेन भी चल पड़े हेमकुंड गुरुद्वारे तक। और हाँ अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि भाई हेमकुंड एक्सप्रेस की यात्रा करो, हेमकुंड साहिब की यात्रा करो, तो हम हेमकुंड साहिब की भी यात्रा करेंगे, लेकिन अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है तो ठीक है। बाकी देखिए वीरभद्र से डिपार्चर अपनी हेमकुंड एक्सप्रेस का, काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है जैसे कि आप देख रहे हो, काफ़ी हरियाली देखने को मिलेगी यहाँ पे आपको। देखिए और भाई यहाँ के जो मैक्सिमम बच्चे हैं काफ़ी बदतमीज़ बच्चे हैं, अगर आप वीडियो बनाते हो तो वो आपको गलत साइंस देंगे, पत्थर उठा लेंगे, ऐसी एक्टिविटीज़ देखी हैं। तो प्लीज़ अगर कोई ऋषिकेश से देख रहा है तो थोड़ा समझाइए इन बच्चों को भाई, यहाँ भी मिले और इससे पीछे भी मिले थोड़े। चलो देखिए डिपार्ट कर रही है, काफ़ी प्यारा व्यू लग रहा है हमारी हेमकुंड एक्सप्रेस का, और उधर देखिए सनसेट भी हो रहा है। देखिए सामने हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस के साथ पास कर रही है अपनी हेमकुंड एक्सप्रेस, और ये ट्रेन है ये हावड़ा से आ रही है और देहरादून को जा रही है। देखिए तो देखिए निकल गई हमारी हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस, और इसको अभी तक भाई LHP रैक्स ही नहीं दिए भाई, इतने लंबे रूट की गाड़ी है यार। देखो इसके साथ इतनी नाइंसाफ़ी,
बाकी दोस्तों 11 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी हेमकुंड एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और दूसरे स्टेशन पे रुकी हुई है जो कि अपना राय वाला जंक्शन है। और ये जंक्शन इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से अपनी देहरादून को चली जाती है और दूसरी लाइन यहाँ से अपनी योगनगरी ऋषिकेश और ऋषिकेश को चली जाती है। तो भाई देखिए अभी हम पहुंचने वाले हैं हरिद्वार और देखिए भाई यहाँ से कितने सारे यात्री ऑन बोर्ड होंगे ट्रेन में। देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है यहाँ पे मेरे अनुमान से, लेकिन देखना अब कैसे अफरा तफरी मचेगी। ये देखिए स्पाइडरमैन कैसे भाग भाग के आ रहे हैं, देखिए सारे स्पाइडरमैनों को देखिए, देखते रहिए बस। ये देखिए देखिए भाई ये सारी जनता इसी में घुसने वाली है, इसी ट्रेन में घुसने वाले हैं ये सारे। देखिए ये देखिए, अरे आराम से भाई, देखिए देखिए ये देखिए ये देखिए, अरे ध्यान से देखिए भाई, बाय अपने भाई को बोल दिया हमने, बाय बाय। देखो कैसे अफरा तफरी मची है, अपने भाई हैं ये जा रहे हैं अब यहाँ से, इनकी दूसरी ट्रेन है ना मसूरी, मसूरी एक्सप्रेस। हाँ जी कोई ना, कोई बात नहीं भैया। ओ भाई ओ भाई ओ हो भाई ये क्या हो रहा है यार। ये देखिए भाई लड्डू गोपाल, ये आंटी ने मुझे लड्डू गोपाल जी दे दिए यहाँ पकड़ने के लिए। भाई ये देखिए आंटी जी ने लड्डू गोपाल जी रख दिए यहाँ पे, अब मैं भाई उठ भी नहीं सकता और बाहर भी नहीं जा सकता। हाँ खींच लिया देखिए, ये आंटी जी का लड्डू गोपाल, आंटी जाएंगे चंडीगढ़। हाँ भैया तू लोग मेरे को आंटी बना दिया। दीदी जी दीदी जी जाएंगे चंडीगढ़ है ना, ये जाएंगे चंडीगढ़ और आपका लड्डू गोपाल बहुत सुंदर है। ये खिलौना भी है ना लड्डू गोपाल जी का, खिलौना भी है ना, नहीं गिरते बाकी। यहाँ पे बैठ गए दीदी भी बैठ गए, यहाँ पे लड्डू गोपाल जी भी बैठ गए और भाई को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। मत तोड़िए मत तोड़िए काना का सामान, मत तोड़िए काना जी का सामान। बाय बाकी भाई को बोल दिया बाय बाय, हमने हरिद्वार से देखी निकल रही है हमारी हेमकुंड एक्सप्रेस। बाकी दोस्तों हरिद्वार का स्टेशन कोड था HW और 5 मिनट का हॉल्ट था, राइट टाइम पे चल रही थी और ये लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर है ऋषिकेश से, लेकिन टाइम भाई 1 घंटा लगा देती है हमारी ट्रेन क्योंकि बीच में जंगल एरिया है और स्टॉप भी है, इसलिए 1 घंटा लग जाता है 23 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने का। लेकिन अब थोड़ी फास्ट हो जाएगी हमारी हेमकुंड एक्सप्रेस, अब सीधा ये रुड़की में जाके रुकेगी। देखिए हरिद्वार से बैठ जाओ, मैं उठ जाता हूँ कोई नहीं, पकड़ो एक मिनट। नहीं नहीं कोई नहीं, आप बैठ जाइए, नहीं नहीं वो उतर जाएंगे ना अगले, मैं उधर बैठ जाऊंगा फिर, आप बैठ जाइए ना, नहीं नहीं कोई नहीं आप पकड़िए लो।
ऋषिकेश से 64 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी हेमकुंड एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है रुड़की। आरके इसका स्टेशन कोड है और 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। और भाई ट्रेन में बाहर जाने के लिए जगह ही नहीं बची है, देख रहे हो मैं इस साइड से ब्लॉग बना रहा हूँ। बाकी ट्रेन में देखो क्या पैक पकाई हो गई है एकदम से, पूरी ट्रेन भाई पैक हो चुकी है। ये देखिए ये भाई लोग क्या कर रहे हो भाई, अंदर चले जाओ भैया। बोलो बोलो भाई, सहारनपुर उतर जाएंगे हम तो। आप बोल रहे होंगे मैं सीट पे बैठा था, तो भाई मैंने अपनी सीट दीदी को दे दी क्योंकि उन्होंने लड्डू गोपाल जी लिए थे। 3 लड्डू गोपाल थे उन पर, 2 लड्डू गोपाल थे, 1 लाडो थी उनके पास, बाकी उनको दे दिया भाई सीट। एंड चलो चलते हैं, आप देखते हैं आगे एक अंकल है सहारनपुर उतर जाएंगे तो वहीं पर बैठ जाएंगे हम। बाकी देखिए अंधेरा काफ़ी हो चुका है एंड अपनी ट्रेन निकल रही है अभी रुड़की से। नहीं किसी को आएगा, किसी को आएगा ही नहीं, है ना? फिर आपस में दो ही लोग शामिल हो गए। सही है सही। तो इसका अपनी है, मतलब 250 ग्राम लिया था ना ये, मेरे को बहुत अच्छा लगता है नारियल का, हुआ है ना? हाँ बिल्कुल, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं इनको मतलब अपने हिसाब से खिलाता हूँ, जैसे पसंद है ना जो चीज़ उसके हिसाब से। मेरे को बर्फी बहुत पसंद है, रबड़ी बहुत पसंद है, मीठे चीज़ बहुत पसंद है, तो इनको भी मीठे खिलाता हूँ, बहुत चटपटा बहुत कम। तो दोस्तों ऋषिकेश से लगभग 99 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी हेमकुंड एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुके अपने 7th हॉल्ट पे जो अपना सहारनपुर SR इसका स्टेशन कोड है। और 5 मिनट रुकेगी यहाँ पे, बिफोर टाइम ही आ गई है भाई यहाँ पे। एंड ये देखो ये दीदी ने प्रसाद दिया है, जो लड्डू गोपाल रखे ना दीदी ने, भाई दीदी की स्टोरी बहुत हार्ट टचिंग है यार, क्या करे यार, मैं बताऊँगा आपको। देखिए ये भाई सारे के सारे यहाँ पे उतर रहे हैं, देखिए सारे के सारे खाली हो रहे ट्रेन। कितने के बूढ़ी छोले? 30 रुपया। 30 रुपया यार, इधर नहीं इनके ऊपर पड़ रहा है, लड्डू गोपाल है यार नीचे। यहाँ पे देखिए लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं हमारे, सो रहे हैं ना ये, हाँ क्या कर रहे हैं अभी ये? अभी बैठे हैं। हाँ देखिए अभी बैठे हैं, आपने बाहर दिखा दिया ना इनको स्टेशन, स्टेशन दिखा, बाकी दीदी ने इनको बाहर स्टेशन वगैरह हर चीज दिखा दी। देखिए ये लड्डू गोपाल है, ये लड्डू गोपाल है, ये लाडो है ना, ये लाडो है। अच्छा ये लाडो है, ये इनका लड्डू गोपाल, ठीक है। अभी जब सोएंगे ना तब गुड नाइट बोलेंगे ना इनको भी, गुड नाइट नहीं बोलते इनको, बोलते हैं तो ये गुड नाइट भी बोलते हैं इनको। बांसुरी कहाँ इनकी? ये देखो ये इनकी बांसुरी आ गई, ये कार आ गई इनकी, इनकी बांसुरी है। हाँ ये बांसुरी आ गई, ये गैया आ गई इनकी, और क्या है इनका, ये खिलौना आ गया। हाँ ये देखिए ये खिलौना आ गया, बस खेलते हैं अभी, सामान तो बहुत है पर यहाँ कहाँ खोलें। हाँ बाकी ये इनका जो बैग है ये पूरा इन्हीं के कपड़ों से भरा हुआ है ना, इनके पास एक ही ड्रेस है, बाकी जितना भी भाई बैग में जितना भी ये सामान है ना ये सारा लड्डू गोपाल जी का है। चलो रख दीजिए अब, अभी स्टेशन दिखाएंगे इनको है ना, अगला स्टेशन दिखा दिए स्टेशन, दिखाइए कैसे दिखाते हो इनको, ऐसे बोले देखो, ऐसे कैसे बोलना दिखाइए। अच्छा ये देखिए ये स्टेशन ऐसे दिखाते हैं भाई, ये देखिए सहारनपुर आगे पत्ते। हाँ ये ऐसे दिखाते हैं, 2 घंटे में अपना स्टेशन आ जाएगा बस। हाँ 2 घंटे में अपना आ जाएगा। हाँ तो यही है भाई, मतलब जैसे एक बच्चे को ट्रीट करते हैं ना सेम वैसे ही, मतलब जितना प्यार एक बच्चे को देते हैं वैसे ही। सामने से कोई गाड़ी आ रही है WAP-5 लोकोमोटिव के साथ गाजियाबाद के, अमृतसर जयनगर सरयू यमुना आ रही है सामने से। देखिए दोस्तों अपने ऑन टाइम पे निकल चुकी है अपनी ट्रेन सहारनपुर से SR इसका स्टेशन कोड था, और ये 6 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे,
पाँच नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी थी हमारी हेमकुंड एक्सप्रेस। बाकी दोस्तों सहारनपुर जंक्शन को सहारनपुर जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन दो लाइनें दिल्ली जाती हैं, एक शामली होते हुए दिल्ली, एक मेरठ होते हुए दिल्ली, और एक जाती है रुड़की, रुड़की को जिस रूट पे हमारी ट्रेन आ रही है। बाकी रुड़की से भी दो लाइनें आगे जाती हैं, वो सब बहुत लंबी कहानी हो जाती है। बाकी अभी अपनी ट्रेन जाएगी अम्बाला के रास्ते चंडीगढ़ को, ठीक है। देखिए निकल गई अपनी ट्रेन। हाँ जी, नहीं नहीं खाइए खाइए, कोई बात नहीं, मैं तो खाऊंगी। बाकी दीदी काफ़ी प्रसाद दे रही हैं भाई भाई भाई। सहारनपुर से डिपार्चर देखिए, वेब 12 भी देखे होगे सहारनपुर छड़ के। बाकी खुद ही सहारनपुर है, ये अम्बाला डिवीजन में आता है भाई। ये देखिए दोस्तों लड्डू गोपाल जी जा रहे हैं सोने के लिए, देखो भाई सो गए हमारे लड्डू गोपाल जी। देखिए भाई रात के लगभग 9:30 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके थे अम्बाला। अम्बाला में क्या हुआ हम स्टेशन कवर इसलिए नहीं कर पाए, देख लो आप खुद ही देखो, इसलिए नहीं स्टेशन कवर कर पाए क्योंकि यहाँ पे पाँव खिसकाने की जगह नहीं है। बस चाय कैसे पी रहे हैं वो हमें पता है भाई, बहुत मतलब भीड़ हो चुकी है। बाकी दोस्तों ये सामने लगी थी अम्बाला गंगानगर एक्सप्रेस। दोस्तों रात के 10:15 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन ने 225 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया और पहुंच चुकी है पंजाब और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ में। देखिए देखिए चंडीगढ़ से डिपार्ट कर रही है हमारी हेमकुंड एक्सप्रेस। बाकी भीड़ देखो यार कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, मतलब पूरी की पूरी जो ट्रेन है वो पैक हो चुकी है भाई चंडीगढ़ में। देखिए देखिए भाई चंडीगढ़ से निकलती हुई हमारी ट्रेन। सो ये खा रहे हैं भाई बर्गर, कुछ खाना तो मिला नहीं है, बर्गर ही खाते हैं। सही है बर्गर। ये बताओ सारी बातें छोड़ो, एक मिनट चुप करो, सारी बातें छोड़ो। ये यहाँ किस लिए लगा है, किस लिए लगा? लिफाफे टांगने के लिए। ये क्या तो भाई ये बैग है ना बड़ा, इसको नीचे रखो ना, यहाँ गाड़ी चलता है ना, ये हम बैठे हैं ना, मेरे मुंह तोड़ दिया इसने भाई। ये देखो मेरे ऊपर कितने टंग रहे हैं ये भी भाई, आप उतार दो ना, मुंह तोड़ रहे हैं ये। क्यों नहीं डालेगा अगर जगह नहीं रहेगा भाई, मुंह पे बज रहे हैं यार ऐसे। हाँ नीचे रख लो, नीचे जगह है, नीचे रख लो ना, क्या जा रहा है मुंह पर। देखिए भाई ये हाल है ट्रेन। सो दोस्तों पंजाब में आप सभी का स्वागत है। सो ऋषिकेश से 337 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी हेमकुंड एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है लुधियाना, जो कि इसका 11th स्टॉप है। स्टेशन कोड LDH, 5 यूनिट का हॉल्ट है और अपने राइट टाइम पे चल रही है अपनी हेमकुंड एक्सप्रेस। बहुत ही बढ़िया गाड़ी है भाई, लेट होती ही नहीं है ये। बाकी देखिए लुधियाना से डिपार्ट भी कर रही है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी। तो दोस्तों सारी चीजें पिंड कमेंट में है, वहां पे जाके साइन अप करो एंड पाओ 34,000 रुपए का बोनस, साथ ही साथ प्लैटिना 110 भी जीत सकते हो आप। तो जाओ और पैसा कमाओ। सो भाई सुबह के 4 बजने वाले हैं एंड 525 किलोमीटर का डिस्टेंस भी हमारी हेमकुंड एक्सप्रेस ने कवर कर लिया है और पहुंच चुकी है भाई कठुआ, जम्मू कश्मीर के पहले हॉल कठुआ में। तो मैंने इस ट्रेन को ये भी डिवोट कर दिया, पता तो आपको क्यों डिवोट किया, क्योंकि मैं जा रहा हूँ घर भाई, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ यात्रा करके आ रहा हूँ। बाकी करते हैं इस जर्नी को यही पेंड क्योंकि अभी घर ही जाएंगे सीधा। तो आज की जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब ये ट्रेन सीधा कटरा चली जाएगी। बाकी करते हैं इस ब्लॉग को यही पेंड, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे आपको एक और नई खूबसूरत जर्नी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।